बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इंफॉर्मेशनल केयर। इंफॉर्मेशनल केयर की डेफिनेशन एज इट इज़ आपने याद करनी है। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम थ्री पार्ट्स में। इंफॉर्मेशनल केयर इज़ डिफाइंड एज प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि आपने पेशेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में करवाया कि कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द डिज़ीज़, ड्रग्स एंड डॉक्टर। थ्री डीज जिनको कहते हैं, डिजीज़, ड्रग एंड डॉक्टर। सो क्या थ्री पार्ट्स थे कि सबसे पहले आपने पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हुए डिजीज़, ड्रग एंड डॉक्टर से रेलिवेंट। इस तरह याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ड्यूरिंग इलनेस जब कोई भी अब इंसान बीमार होता है ना तो वो जानना चाहता है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है, मतलब उसके साथ क्या मसला है और जो उसको बीमारी या मसला है उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा, कौन उसको केयर प्रोवाइड करेगा और किस तरह प्रोवाइड करेगा। ये सारे जो चीज़ें ना ये कवर करते हैं इंफॉर्मेशनल केयर, कि आपने पेशेंट को इन सारी चीज़ों से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सेवन एसेंशियल्स ऑफ इंफॉर्मेशनल केयर, इनका क्वेश्चन आता है, ये एज इट इज़ आपके बुक वाले ही हैं कि ये सेवन एसेंशियल्स ऑफ इंफॉर्मेशनल केयर, इनको मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, यहाँ से आप याद कर लें कि सबसे पहले पेशेंटों से इंफॉर्मेशनल केयर है वो पेशेंट की लैंग्वेज में प्रोवाइड करनी चाहिए आपको। सेकंड आता है कि ये पेशेंट की नॉलेज से, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट होती है। कि पहले सबसे पहले तो आपने पेशेंट की ज़ुबान में बात करनी, फिर आपने पहले पेशेंट की नॉलेज को चेक करना कि उसको क्या पता है अपनी बीमारी से रेलिवेंट, उसको क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट रेलिवेंट। फिर आपने पेशेंट की मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को रिमूव करना है। जब आपने पेशेंट की बात सुन ली तो आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या उसने मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शन हैं, फिर आपने उनको रिमूव करना है। नेक्स्ट आते हैं फिर आपने इंफॉर्मेशनल केयर बहुत प्रोफेशनल वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और उसको फैक्ट्स बताना है, झूठी तसलियाँ नहीं देनी। ये नेक्स्ट वही पॉइंट आ गया, फॉल्स होप्स एंड वेक कमेंट्स शुड बी अवॉइडेड। आपने फॉल्स होप्स को, वेक कमेंट्स को अवॉइड करना है। प्रॉज एंड कॉन्स उसकी ट्रीटमेंट के प्रोवाइड करने हैं। फिर आपने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। सिंपल फिगर्स, डायग्राम्स या स्केचेस आप यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस किया जा सके। जो पेशेंट आपकी बात को नहीं समझ रहा या बाज़ों का अच्छा इससे रेलिवेंट ना एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू हुआ है कि जब पेशेंट आपका और आप में लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो आप उसको डिफरेंट वो बना के दिखा सकते हो, इमेजेस बना के दिखा सकते हो, फिगर्स डायग्राम्स को समझाने के लिए। तो ये डायग्राम स्केचेस वगैरह आपने ड्रा करने पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आप जब आपका सेशन ख़त्म होता है ना तो वो पेशेंट को हैंड ओवर भी कर सकते हो वो चीज़ें। इंफॉर्मेशनल केयर सेशन विल बी एंडेड विद पेशेंट समराइजिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री डीज। आपने बिल्कुल स्टार्ट में पेशेंट से थ्री डीज की अंडरस्टैंडिंग पूछी थी, उससे पूछा था कि उसके क्या परसेप्शन है, क्या नॉलेज है। अब आपने इसको इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड कर दी, उसके बाद आपने उसने पेशेंट से कहना कि अब वो जो न्यू चीज़ें उसने समझी हैं उसको अब क्या लगता है कि उसकी बीमारी क्या है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को समराइज़ करे। फिर अगर मजीद उसमें स्टिल कोई एम्बिग्यूटी है तो आपने उसको क्लियर करना है, एड्रेस फ्यूचर कंसर्न्स या फर्दर क्लैरिफिकेशन। ये था सारा जो मैं इसका एमसीक्यू की बात कर रही थी एक्सरसाइज में था। यही वाला आ गया, देखें, अ पेशेंट फ्रॉम अ विलेज इन चोखलिस्तान डेजर्ट प्रेजेंट्स टू अ हेल्थ प्रोफेशनल इन लाहौर। ही अपीयर्स टू बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस। अकॉर्डिंग टू हिज HbA1c एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रिपोर्ट्स द हेल्थ प्रोफेशनल डज नॉट स्पीक और अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। अब हेल्थ प्रोफेशनल को उसकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल केयर वुड बी ड्राइंग पिक्चर्स, यूजिंग साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, सीकिंग हेल्प फ्रॉम कोलीग्स। और ये भी नहीं, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए इधर लगा भी हुआ है। उसमें है कि जिस जहाँ पे आपके लैंग्वेज बैरियर आ रहा हो ना वहाँ पे इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करते हुए आपने प्रेफर करना है कि आप डायग्राम्स या पिक्चर्स या स्केचेस ड्रॉ करके उसको समझाने की कोशिश करें। ओके इस तरह के BS में ना MCQ तो आसान आसान आते हैं, लेकिन क्योंकि उसके बाकी सारे ऑप्शन भी क्लियर अच्छे लग रहे थे आपको, अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ ना टॉपिक तो आपको बाकी सारे भी सही लगेंगे। जैसे उसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ था कि किसी ऐसे कोलीग को बुला लें जिसको उसकी ज़ुबान आती हो, या किसी और से हेल्प ले लें, या फिर आप उससे इशारों में बात करने की कोशिश करें। जब आप देखते हैं, अगर आपने बुक नहीं रीड की हुई, ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, तो आपको वो बाकी सारे ऑप्शन भी ठीक लगेंगे। लेकिन उसमें करेक्ट क्या था, डायग्राम या फिगर्स बनानी है, क्योंकि एज इट इज़ रिटन है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने मैंने ये करवाए हैं इसमें से आपके सारे MCQ और SCQ सारे कवर हो जाएं इंशाल्लाह वीडियोस से। उसके बाद नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड टू द पेशेंट।
वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपने आंसर करना है ड्यूरिंग प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशनल केयर. सबसे पहले उसका क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी. उस ये बेसिकली आपने इसमें डायग्नोसिस बताना होता है. व्हाई आई डिवेलप द डिजीज़, इसमें एटियोलॉजी बतानी होती है डिजीज़ की. इज देयर एनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, वो पूछेगा कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, और अगर ट्रीटमेंट है तो क्या वो सेफ़ है या उससे कोई डेंजरस साइड इफेक्ट्स. इसमें बेसिकली आप उसके मैनेजमेंट बता रहे थे, मैंने जो साथ ना ब्रैकेट्स में लिखे हैं या उसका आंसर लिखा हुआ है. फिर है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिकवर, वो पेशेंट पूछेगा कि मैं कितनी देर में सेहतयाब होऊंगा, कितनी देर में ठीक होऊंगा, तो ये उसका प्रोग्नोसिस है. इज़ देयर अपर हेज, कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो ये आपने उसको इसकी रिस्ट्रिक्शंस बता देनी है. रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इलनेस, क्या उसको बीमारी का फैलने का कोई खतरा तो नहीं है. उसमें ट्रांसमिशन बता देना आपने कि ये कैसे ट्रांसमिट होती है, उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक्सप्लेन कर देंगे कि इस तरह तो नहीं है कि कोई ये छूती बीमारी है. फिर विल द इलनेस ट्रीटमेंट इफेक्ट माई फंक्शनिंग और लाइफ, वो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन होगा कि जो ट्रीटमेंट हुई है, जो मुझे बीमारी हुई है या फिर इसकी जो ट्रीटमेंट मिलेगी, क्या मेरी जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामूलाते ज़िंदगी है या फिर डेली रूटीन है, क्या उस पर कोई इफेक्ट होगा. इन सारे क्वेश्चंस को आपने आंसर करना होता है. सबसे पहले मरीज़ पूछे उसके इस बात को आंसर करना है कि उसके साथ क्या मसला है, उसको वो बीमारी क्यों लगी है, उसकी कोई ट्रीटमेंट है, अगर है तो वो किस वो ट्रीटमेंट से ही है, सेफ़ है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कितनी देर लगेगी उसको रिकवर होने में, क्या उसमें दौरान वो इलाज या फिर उस बीमारी के बाद उसको कोई एहतियात करनी है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी बीमारी एक से दूसरे इंसान को वो फैल सकती है, या और अगर उसकी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या बीमारी है उसकी वजह से उसकी कोई डेली लाइफ में कोई फंक्शनिंग इफेक्ट होगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इन्फॉर्मेशनल केयर गिवन टू न्यूली डायग्नोज टीबी पेशेंट. अब उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ था पूरा, उसमें कहा कि ये न्यूली डायग्नोज टीबी पेशेंट था तो उसको आपने इन्फॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी है. अब आपने यही वाले सारे पॉइंट्स को आपने एड्रेस करना है. ये सारे आपके ना वो है स्टेप्स के, ये क्या कहते हैं नेसेसिटीज़ हैं या असेंशियल्स हैं कि ये इन्फॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करते हैं, तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. प्रोवाइड क्या करनी होती है इन्फॉर्मेशनल केयर, उसमें क्या ये सीक्वेंस है, वो ये सारे क्वेश्चंस हैं. तो आपने बताना है सबसे पहले डायग्नोसिस है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है और वो बैक्टीरिया से होती है. एटियोलॉजी में बताना है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि लंग्स को इफेक्ट करती है, एयरबॉर्न है, स्प्रेड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट है, और ये हुई किस वजह से, बैक्टीरिया की वजह से. और जो कफ स्नीजिंग या स्पिट है उन लोगों के जो से डिजीज पर्सन है उनके कांटेक्ट में आने से, उनके किन चीज़ों के बेसिकली उनके बॉडी फ्लूइड जैसे कफ स्नीज और स्पिट से, अगर बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनसे इन कांटेक्ट आने से टीबी स्प्रेड कर सकती है. मैनेजमेंट होगी कि टीबी क्योरेबल है और ट्रीटमेंट इसकी सेफ है, कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. प्रोग्नोसिस है कि ट्रीटमेंट एटलीस्ट 6 मंथ्स तक चलेगी उसकी मेडिसिन. रिस्ट्रिक्शन है कि स्मोकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ेंगे. ट्रांसमिशन होती है, कैसे होती है, एयरबॉर्न है, और इसकी डेली रूटीन को ऐसा जितना इफेक्ट नहीं करेगी इसकी जो ट्रीटमेंट है. सो दैट वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशनल केयर. अब नेक्स्ट में हम करते हैं टॉपिक, नेक्स्ट रह गया है हमारा हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट्स, और ये बस 2-3 रहते हैं, फिर सेक्शन ए कम्प्लीट हो जाएगा.